अभी अभी पहुंचा हूं नासिक रोड। एक्चुअली हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे बट ट्रेन में बहुत क्राउड थी तो वीडियो शूट नहीं कर पाया। अभी नासिक रोड पहुंचा हूं, यहां से हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक बस स्टॉप पे जाना होगा। अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा, CBD करके समथिंग कुछ है। वहां से हमें त्र्यंबकेश्वर के लिए कैब या बस जो भी मिले ले लेंगे। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते वीडियो। त्र्यंबकेश्वर जाने से पहले हम बस स्टॉप पर आए, बस पकड़ेंगे डायरेक्ट, CBD जाना कैंसिल। भूख लगी है बहुत तेज तो पहले नाश्ता करेंगे, सीधे इडली मेदू वड़ा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ लाइट खा के निकलना चाहिए वरना हेवी खा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है बस में। तो चलो बस का सफ़र दिखाएंगे और बाकी मिलेंगे त्र्यंबकेश्वर पे। भाई मुझे चम्मच ही नहीं मिला। मोए 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 दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक स्टेशन से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आने के लिए ना आपको ट्रेन, बस या एरोप्लेन से नासिक आना होगा और फिर नासिक रोड स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर के लिए आप प्राइवेट कैब या बस का इस्तेमाल कर सकते हो। बता दूं कि स्टेशन के सामने एक बस स्टैंड है जहाँ पर आपको कैब भी मिल जाएगा और बस भी मिल जाएगा। अगर आप कैब करते हो ना तो आपको पर पर्सन 150 या 200 रुपये तक का चार्ज देना पड़ सकता है। वहीं पर अगर आप सिटी बस से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो आपको पर पर्सन 75 रुपये देना पड़ेगा या फिर आप 120 रुपये में सिटी बस का एक पास ही बनवा लो, जिसके इस्तेमाल से आप पूरे एक दिन नासिक में कहीं भी किसी भी टूरिज्म स्थल या तीर्थ स्थल पर घूम सकते हो। भाई साहब तकरीबन 1.5-2 घंटे का सफ़र रहा और नासिक स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर का सफ़र तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा है। मुझे लगा था 5-10 किलोमीटर होगा, ऐसे हंसते खेलते निकल जाएगा, बट काफ़ी थका देने वाला सफ़र था। भले मैं बैठा था बट फिर भी अब पहुँचने वाले हैं। सो गाइस बस से उतर गए हैं। बस ने हमें 1 किलोमीटर पहले ही उतारा है क्योंकि पहाड़ पे चढ़ नहीं पाएगी ना बस, तो अब हमें यहाँ से 1 किलोमीटर बाय वॉक ही जाना है। धूप बहुत कड़क है तो मोस्टली मैं यही प्रेफर करना चाहूँगा कि अगर आप आओ तो बारिश के सीज़न में आना। ओके चलो देखो गाइस, हाँ अब यहाँ से कड़ी धूप में पैदल चल के जाना है। सभी को सवेरे 4 बजे उठा के तैयार करवाने के बाद ये जो काला है कपड़े में जो शख्स है क्या नाम है तेरा दोस्त, बबलिया ने हमें 4 बजे उठाया और खुद भाई साहब हमें मिले स्टेशन पे 8 बजे। समझ रहे हो, 4 घंटे बर्बाद किए शख्स ने। अगर आज का ब्लॉग में कोई भी कमी आता है ना तो सारी गलती इसकी। हाँ इसकी शक्ल दिखा बस। एंड ये मोहतरमा बड़ी मशक्क़त के बाद आई है बट इट्स ओके, आए तो एटलीस्ट। और ये तो कहीं भी आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चल के जाना है 1 किलोमीटर, पहाड़ी के करीब है टेम्पल। 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। चलो फिर वॉक हो जाए, इसीलिए कह रहा हूँ कभी भी अगर आप आओ तो सवेरे जल्दी आओ क्योंकि नासिक से तकरीबन 1.5-2 घंटे का रास्ता है वाया बस। 40 किलोमीटर दूरी है, हाँ डिस्टेंस 40 किलोमीटर का है। अभी हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, शुरू करते हैं। तो मोस्टली यही रिकमेंड करूंगा कि भाई बारिश के सीजन में आना, मौसम क्लाउडी रहेगा, वो पहाड़ बहुत ही जबरदस्त दिखता है। अभी मैंने कैमरा बंद कर दिया था बट ये देखा तो कैमरा फिर से ऑन कर लिया। ऐसे बहुत सारे जबरदस्त आर्ट यहाँ के हर एक बिल्डिंग या इमारतों पर है। हाँ कसम से कह रहा हूँ ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, पर कोई बात नहीं, डिटेल में वीडियो बनाना भी तो जरूरी है ना। हाँ तो गाइस देखो यहाँ पे दुनिया भर के बाजार लगे हुए हैं, मतलब जो भी चढ़ावा आपको चढ़ाना आप चढ़ा सकते हो, मिलेंगे भी, बट ऐसा मत सोचना कि चढ़ावा आपको वहाँ पे चढ़ाने का मौका दिया जाएगा, तो इसलिए वो भूल के भी लेना नहीं क्योंकि लोगे तो पैसे आप ही के बर्बाद होने हैं। टेम्पल के एंट्रेंस पे क्या है ये नोटिस पढ़ लिए।
मोस्टली यहाँ पे अगर आप वीकेंड्स में आओगे ना तो बहुत क्राउड रहता है, बहुत। तो आपको दर्शन मिलने में कम से कम एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का टाइम चला जाता है। बट आज हमारे टाइम यहाँ पे थोड़ा भी क्राउड नहीं दिख रहा है, थोड़ा भी नहीं। या फिर शायद ये सिर्फ शुरुआती स्टेज है, अंदर क्राउड मिलेगा। गाइस यहाँ पे जूते चप्पल रखने के भी पैसे लिए जाते हैं, बैग रखने के भी। वहाँ पे पैसे तब नहीं लेंगे जब आप चढ़ावा चढ़ाने के लिए कुछ ले लो, जिसकी प्राइस 120 रुपये होती है। बाकी आप कितने लोग भी रहो, आपका जूता चप्पल जो भी सामान हो वो वहाँ पे रख देते सेफली। और लाइन में हूँ बट लाइन नहीं है क्योंकि मैं वीकेंड के टाइम नहीं आया हूँ। ये देखो पूरा खाली है, पूरा। हाँ तो बाहरी हिस्सा देख लिए, बाहरी हिस्सा पूरा खाली था, अंदरी हिस्सा पूरा भरा हुआ है खचाखच। डेढ़ दो घंटे लग जाने बेटा, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म हो जाना है मेरा दर्शन लेते लेते। हमें जाना है उस कोने में वहाँ पे। आपने बोले कि वीडियो में लिया नहीं, हम यहाँ से आए थे भाई, पहले भीड़ नहीं देखी तो मैं बहुत खुश हो गया, फिर आई गॉट दिस, नाउ आई एम वेरी स्केयर्ड। गाइस गर्भगृह में कैमरा अलाउ नहीं था तो वहाँ का फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं निकाल पाया। ठीक है यार, ऐसे कुछ जगहों पर ज़रूरी भी है, अगर कैमरा वगैरह सब अलाउ करेंगे सब वीडियो ही निकालेंगे, दर्शन वगैरह कोई करेगा नहीं तो मैं भी दर्शन करने का मतलब ही क्या रह जाएगा फिर। दोस्तों जैसा कि आपको फोटो वीडियो दिखाया नहीं, लेकिन मैं आपको ना ये टेंपल की कहानी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहा करते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो कि गौतम ऋषि से नफरत करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित में देवी गंगा को यहाँ पर लेकर आना होगा। अब इन सब के बाद गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी और माता पार्वती वहां पर पहुंचे, उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तब ऋषि गौतम ने शिव जी से देवी गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। ये सुनने के बाद देवी गंगा ने ऋषि मुनि से कहा कि यदि शिव जी भी इसी स्थान पर वास करेंगे ना तभी वे यहाँ पर रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिव जी वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ पर बहने लगी। वहीं पर आपको बता दूं कि गौतमी नदी का ही दूसरा नाम है गोदावरी। आपको बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है ना वो बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे शिवलिंग भी है। ये तीनों शिवलिंग ब्रह्मा विष्णु और शिव के नाम से जाने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास तीन पर्वत भी है जिन्हें ब्रह्मागिरी नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मागिरी पर्वत को शिव स्वरूप माना जाता है। वहीं पर नीलगिरी पर्वत पर नीलाम्बिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है। गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी यानी कि गंगा माता का मंदिर है। मूर्ति के चरणों से बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है जो कि पास के ही एक कुंड में जमा होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ त्र्यंबकेश्वर टेंपल से रिलेटेड ही था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम गोदावरी कुंड जाएंगे जिसका नाम कुछ अलग ही है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी हमें दो तीन जगह और कवर करना है, टाइमिंग है, एक फ्रेंड को हमें रिटर्न भेजना भी है। देखते हैं कितनी ज्यादा ज्यादा जगह कवर करना है। तो चलो गाइस अभी हम गोदावरी कुंड जा रहे हैं, लेट्स बिगिन द जर्नी। नहीं बोला आपके लिए, इस वाले ब्लॉग का एंड यहीं पे करना है।